हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है सरवर आलम, फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसए इलेक्ट्रिकल्स पे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ वोल्टेज क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, करंट क्या है, एम्पियर मीटर क्या है, वाट मीटर क्या है और वाट क्या है, वोल्टेज के प्रकार बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, आपको फुल नॉलेज मिलेगा इस वीडियो में और सभी प्रकार की इलेक्ट्रिक से जुड़ी सभी प्रकार की वीडियोज हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बस आप लोग से हमारा रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसए इलेक्ट्रिकल्स को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को और नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लिया है, बस आप लोग को समझाना है। तो चलिए आप लोग को समझा देते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे लिखा है वोल्टेज क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, करंट क्या है, एम्पियर मीटर क्या है, वाट क्या है और वोल्टेज के प्रकार बताऊंगा और वाट मीटर बताऊंगा। यहाँ पे हमने डायग्राम बना लिया, कुछ इस तरह का डायग्राम है। ये हमारा वाट मीटर है, यहाँ पे न्यूट्रल फेज सप्लाई इन करेंगे, इधर से आउट करेंगे और ये हमारा वोल्टेज है, तो न्यूट्रल फेज की सप्लाई इस पे दोनों जाएगी और एम्पियर मीटर पे एक सप्लाई इन करते हैं, वहीं से एक आउट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम वोल्टेज क्या है उसको जान लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन, वोल्टेज क्या है, हमने आपको थ्योरी के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो चलिए आपको बताते हैं, विद्युत की वह मात्रा जो एक उपकरण को चलाने के लिए आवश्यक होता है वह उपकरण का वोल्टेज कहलाता है। इसका मतलब दूसरा हमारा है वोल्ट मीटर क्या है, तो वोल्ट मीटर को भी जान लेते हैं। विद्युत सर्किट में उपस्थित विद्युत की मात्रा को नापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमारे घर में जो वायरिंग हुआ है और हमें उसमें नापना है कि हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है, तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। और यह एक डायल होता है, डायल यानी घड़ी नुमा होता है गोल में। इसकी गिनती 50, 100, 150, 200, 250, 450 तक होता है और यह भी से प्रदर्शित होता है, यानी पे भी लिखा रहता है, यानी वोल्ट मीटर होता है। और उसके बाद हमारा है तीसरा, करंट क्या है, तो तीसरा भी जान लेते हैं। किसी उपकरण के चलने पर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा को करंट कहते हैं, जिसका मात्रक एम्पियर होता है। उसके बाद हमारा चौथा है एम्पियर मीटर क्या है, तो एम्पियर मीटर को भी जान लेते हैं। किसी सर्किट में बहने वाली करंट को नापने के लिए एम्पियर मीटर का प्रयोग किया जाता है, जिसकी गिनती 0 से शुरू होकर 10 तक होता है। इसे ए से प्रदर्शित किया जाता है, बड़े बड़े प्लांटों में अधिक एम्पियर का होता है। हमने यहाँ बस 10 तक लिखा है, बस आप लोग को समझने के लिए। उसके बाद हमारा वाट क्या है, हमारा पांचवा क्वेश्चन है वाट क्या है, तो चलिए वाट को भी जान लेते हैं। किसी उपकरण द्वारा खर्च किए गए विद्युत की कुल मात्रा को वाट कहते हैं। अब हमारा क्या है, तो वाट मीटर भी आप जान लेते हैं। छठवां क्वेश्चन ये है, किसी सर्किट द्वारा खर्च की हुई विद्युत का पता लगाने के लिए वाट मीटर का प्रयोग किया जाता है, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि अब तो घरों घरों में मीटर लग रहा है, तो मीटर में कितना हमारा विद्युत खर्च हुआ रहता है उस पर रीडिंग बताता है, उसी के हिसाब से हम अपना वाट मीटर निकाल लेते हैं, ना कितना यूनिट चला है उसको निकाल लेते हैं, तो वही है वाट मीटर। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे इसको। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा छठवां क्वेश्चन है वोल्टेज के प्रकार, तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। वोल्टेज चार प्रकार की होती है, यानी वोल्टेज चार प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है लो वोल्टेज, यह वोल्टेज अधिकतम 250 वोल्ट तक होता है। ज़्यादातर हम गांव में इसी को यूज करते हैं, लो वोल्टेज ही हम यूज करते हैं गांव में, अपने गांव में हम लो वोल्टेज ही ज़्यादा यूज करते हैं। दूसरा हमारा है मीडियम वोल्टेज, यह वोल्टेज 250 से 650 वोल्ट तक होता है, 250 से 650 वोल्ट तक होता है। और तीसरा हमारा है हाई वोल्टेज, यह वोल्टेज 650 से 11000 तक वोल्ट होता है, 11000 वोल्ट तक होता है, ये बहुत ही खतरनाक है। और चौथा हमारा है एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज, यह वोल्टेज 11000 से 220000 वोल्ट तक होता है, ये हमारा
एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज बहुत ही डेंजरस होता है, हाई वोल्टेज भी डेंजरस होता है और मीडियम वोल्टेज भी खतरनाक होता है, लो वोल्टेज ज़्यादातर हम गाँव। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को कुछ नॉलेज मिला होगा, अगर नॉलेज मिला है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा है, कितना नॉलेज मिला है। अगर आपको किसी तरह का सुझाव सवाल देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्लीज़ आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए। जब भी मैं कोई वीडियोज़ डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।